मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2021 के मधुर महावाक्य हैं। आज महावाक्यों का सार है, सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे, क्या देखा? बाबा कहते कि हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, ये देखा बाबा ने। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। बाबा कहते जो बाप का बनेगा उसका रिजल्ट क्या होगा? हर समय चेहरे पर प्रसन्नता। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है ये प्रसन्नता। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की संपन्नता की प्रसन्नता, इनमें रात दिन का अंतर है। तो अल्पकाल थोड़े टाइम के लिए खुश हो गया, और जो बाप का बना वो संपन्न भी हो गया। उस संपन्नता के कारण उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता है वो क्या है? सदाकाल की है। तो दिन रात का अंतर तो हो ही गया। बाबा कहते अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा भी दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। तो बाबा कहते कि प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देती है। तो जैसे छायादार पेड़ के नीचे बैठते हैं, आराम मिलता है, सुख मिलता है, ठंडी हवा मिलती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं जो रूहानी खुशी वाले होंगे उनसे क्या मिलेगा? शांति और खुशी की अनुभूति मिलेगी। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। तो बाबा कहते हैं आप लोगों ने क्या खर्चा किया? क्या खर्चा किया हम लोगों ने? बाबा कहते हैं बिना पैसे खर्चा करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, रहते हैं ना? या औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो, या कोई और आपको खुश करता है? तो बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले, दोनों में फर्क हो गया ना। बाबा कहते सदा शब्द नहीं है, और जो प्रसन्न रहते भी हैं उनमें भी तीन तरह के हैं, तीन वैरायटी हैं। पहला है स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों से प्रसन्न, और तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। बाबा कहते अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही। तो बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। तो बाबा कहते पहला पहला पाठ मैं कौन इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। देखो बाबा ने अधिकारी बनाया है, वो भी फुल वर्षे का। बाबा कहते किसी को पूरा, किसी को आधा वर्षा नहीं दिया है, किसी को आधा व चौथा मिला है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते आधा मिला है या आधा लिया है, फर्क यहाँ पर है। देने वाले ने तो पूरा दिया है, लेने वालों ने कितना लिया है उस पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने पूछा कि आधा मिला है या आपने आधा लिया है। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया, ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है,
सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्चा करना ना आए व साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। तो बाबा क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हमारे पास धन भी है, हम चीज खरीद भी सकते हैं, लेकिन हमें उसको यूज ही नहीं करना आता, हमें पता ही नहीं कहाँ से चीज मिलती है, तो हम उसकी कोई प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं, मैंने तो सबको सर्वशक्तिमान का वरदान दे दिया है, अब किसी को यूज ही नहीं करना आता, उससे फायदा ही नहीं लेना आता। बाबा कहते हैं ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। कहाँ पर हमारा फर्क पड़ता है? एक तो हमें मेथड नहीं पता और हमें यूज ही नहीं करना आता कि कैसे यूज कर सकते हैं। फिर कहते कि मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया और अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय एक सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे एक सेकंड लेट किया, चाहे एक घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। बाबा कहते पहले भी सुनाया था। क्या सुनाया था? कि स्वयं से अप्रसन्न रहने के मुख्य दो कारण होते हैं। हम अपने आप से ही खुश नहीं होते, अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं होते, तो बाबा कहते उसके दो कारण हैं। पहला क्या है? एक दिल शिकस्त होना। दिल शिकस्त होना माना डिसहार्टन हो जाना कि मैं जो करती हूँ वो हो नहीं रहा। और दूसरा है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न करना, जेलसी हो जाना किसी से कि मेरे पास तो ये है नहीं, उसके पास ये है, उसके तो भाग्य में ऐसा है, उससे देखकर जेलसी उत्पन्न करना, ईर्ष्या उत्पन्न करना। बाबा कहते ये दो कारण हैं। इन दो कारणों से हम अपने आप से नाराज रहते हैं। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, जो डिसहार्टन हो जाता है, कोशिश करता है फिर भी काम नहीं होता, हम छोड़ देते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रवृत्ति वाला भी कभी खुश नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, मिल तो सामने वाले को रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा वो हमें, ठीक है। तो अपने आप में इतनी काबिलियत नहीं कि हम कोशिश करते हार जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, मन को छोड़ देते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण ही नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते वो। और बाबा कहते हैं प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। अगर खुश रहना है तो कौन सी बात बुद्धि में रखनी है? क्या कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। ये बात बुद्धि में रखनी कि मुझ में भी कोई ना कोई विशेषता है, ठीक है। जेलसी नहीं करनी, उसकी विशेषता को देखकर जेलसी नहीं करनी, अपने आप को भी देखना कि मुझ में भी कोई है। बाबा कहते हैं चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो 9,00,000 जो गाय हैं, उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। बाबा कहते देखो 16,000 वालों को तो विशेषता है ही, जो सत्यु के लास्ट आत्मा 9,00,000 वाली आत्मा, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा कहते पहले अपनी विशेषता को पहले पहचानो, दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को पहचानो। बाबा कहते अभी तो 9,00,000 तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो, कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देखकर दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं जाओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को ले आएगी। जो आपकी एक क्वालिटी, आपका एक गुण होगा ना, वो और गुणों को भी आप में जागृत कर देगा। बाबा कहते हैं जैसे एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे, एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाता है, तीसरी लगाओ तो 1,000,
बाबा कहते ये हिसाब तो आता है ना, कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना, यूज करना अपनी क्वालिटी को। तो बाबा कहते दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बाबा कहते देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी यानी कि भोली दादी का मिसाल देता है। बाबा कहते महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है, महारथियों का नाम कभी कभी आता है लेकिन भोली दादी का नाम बाबा तकरीबन मुरलियों में लेते हैं। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई, क्यों आता है नाम, क्योंकि उनमें जो विशेषता थी उन्होंने उसको यूज किया। बाबा कहते चाहे भंडारा ही संभालती है लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। बाबा कहते भाषण तो नहीं करती लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई और दूसरे भी विशेष नजर से देखते, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे हम बच्चे। तो बाबा कहते विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे, और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे, और जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। बाबा कहते सबसे बड़ी से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त, आपको प्रसन्न मूर्त करेंगी। तो सुना क्या चार्ट देखा, बाबा आगे बात करने, बाबा कहते अच्छा टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। बाबा कहते सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो, जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, तो बाबा कहते आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी, सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सबने बने बनाए घर पर आए हो तो लकी हो ना। बाबा कहते बने बनाए सेंटर मिल गए, टीचर बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते आपको तो बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए हैं, पहले तो जमुना घाट पर रही थी, घाटों पर रही, एक ही कमरा रात को सोने का और दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो, आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बाबा कहते बोया इन्होंने खा आप रही हो, फल खाना तो बहुत सहज है ना, अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। बाबा टीचर बहनों को बोल रहे हैं कि ऐसे ही फल स्वरूप क्वालिटी निकालनी है, समझा, क्वालिटी निकालने के लिए बाबा ने बोला। बाबा कहते क्वांटिटी तो है ही, संख्या तो बढ़ानी ही है, और यह भी चाहिए 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो, अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। कौन सी सेवा, क्वालिटी सेवा, जिससे वाकई दूसरों की लाइफ में फर्क पड़े, चेंज आ जाए, और वो चेंज उनको बाबा के साथ सदा बांध कर रखे और औरों में भी वो चेंज लाने के लिए बाबा के साथ संबंध जोड़ने के लिए बन जाए, निमित्त बन जाए। तो बाबा कहते ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं तैयार करनी है। बाबा कहते हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती हैं लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है लेकिन समर्पण होने में सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है और जो कहने से चलता है वह रुकता है। जो स्वयं आता है अपने मन से तो बाबा कहते वो तो निर्विघ्न चलता है, और जिसको हम कहते हैं तो वो क्या करेगा, क्योंकि अपना मन पूरा नहीं है तो बीच में चलेगा, बीच में रुकेगा। तो बाबा कहते वह बार बार आपको ही कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि सरेंडर नहीं होना चाहिए। बाबा कहते कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है, कुमारियों की बात कर रहे हैं ना बाबा, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना इसमें अंतर जरूर है। बाबा कहते जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारा हो आराम से आ गए, कई मेहनत से छूट गए,
तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना, नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे। बाबा क्वालिटी की आत्मा निकालने के लिए ये टिप्स दे रहे हैं। बाबा कहते हैं उन्हों को भी डबल पार्ट बजाना होता है, जो कुमारियां घर पर रहकर काम करती हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे निर्बंधन है, फल निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना, क्योंकि घर का भी देखना है फिर सेवा का भी देखना है, डबल पार्ट हो गया। बाबा कहते हैं आपका तो एक ही पार्ट है, समर्पित बहने हैं जो उनका तो एक ही काम है बस सेवा का। तो और बाबा कहते हैं जो प्रवृत्ति वाले हैं उनको तो तीन पार्ट बजाने पड़ते हैं, तीन ड्यूटीज देनी पड़ती हैं, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का, जो परिवार है उसको भी पालना है, पढ़ाई भी करनी है और सेवा भी करनी है। तो उनकी तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। और जो कुमारियां घर पर रहकर नौकरी के साथ साथ सेवा करती हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी डबल ड्यूटी हो गई। और आप जो निमित्त बहने हैं वो तो सिंगल ड्यूटी करती हैं, वो सिर्फ सेवा के निमित्त हैं। तो बाबा कहते हैं देखो डिफरेंस तो है ना, डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो क्या पड़ेगा, कर्म पर फर्क भी पड़ेगा। तो बाबा कहते आप तो सब बातों से छूट गई, निमित्त बहनों को कह रहे हैं। तो अच्छा, सदा सर्व प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और बाबा आगरा और राजस्थान के भाई बहनों से मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना, इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही आर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझ कर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है और ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई है। कौन से बच्चे दिल में रहते हैं बाबा के, जो एक बाप दूसरा ना कोई, तो डबल तख्त हो गया। जो सिकिलदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या, बताओ। बाबा कहते हैं तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे ही कहते हो ना बाबा कहते। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना, जो रॉयल बच्चे होते हैं वे कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी पर भी देख ले। बाबा कहते कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है, तो ऐसे तो नहीं है ना। बाबा कहते 63 जन्म मिट्टी से खेला है, देह अभिमान में रहे हैं ना, तो अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी में कैसे खेलेंगे। बाबा कहते जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है, तो आप भी कितने मैले हो गए, अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते, कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना।
ठीक है, तो बाबा कह रहे मन तो शक्तिशाली हो गया ना, शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। जो डबल तख्त नशीन है वो क्या है, डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, बाबा कहते सभी संतुष्ट हो ना, संतुष्ट अर्थात प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो, कभी कभी अप्रसन्न और कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। बाबा कहते कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो, आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, बाबा कहते ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर, तो और किसी को भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या सिर्फ अपने तक ही प्रसन्न हो, ठीक हो। बाबा कहते दूसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा, क्योंकि दूसरों को प्रसन्न करेंगे तो फिर कारण ही नहीं रहेगा कोई खुशी गुम होने का, किसी की शिकायत ही नहीं करनी पड़ेगी पत्र में। तो बाबा कहते अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना, क्यों, क्योंकि अब हमने क्या करना है, हमें तो सदा खुशी रहना है। बाबा कहते ये टाइम और यह तारीख याद रखना, क्या याद रखना, कहते ना किसी को आज का दिन याद रखना, तो बाबा भी कह रहे हैं ये टाइम और तारीख याद रखना है। हाँ पत्र लिखो, क्या लिखना है कि ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके हैं, यह दो लाइन लिखो बस। बाबा कहते मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं, इतना खर्चा क्यों करते हो, लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते हो, तो बाबा कहते क्यों खर्चा करते हो, यह तो दो लाइन कार्ड पर ही आ सकती हैं और बार बार भी नहीं लिखो, कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं। बाबा कहते रोज नहीं भेजना, मास में दो बार, 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना, कथाएं मतलब लंबी लंबी कहानियां, शिकायतें। बाबा ने उसका कारण भी बता दिया, उसका निवारण भी बता दिया। तो बाबा कहते अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना है, और बाबा ने आज हमें वरदान दिया, बाबा कहते समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं है, वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माना और सामना माया से करते हैं, ना कि दैवी परिवार से। ठीक है, पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, ना कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। और स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।